हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट आपका सोशल स्टडी है, जो कि हमने राजन सीरीज का प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिया है। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, आप वहां से जाकर देख सकते हो। और ये जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो आपकी जो तैयारी है बहुत ही अच्छी होनी चाहिए और इस सीरीज से 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है? तो आपको क्या करना है, अच्छे से नोट्स बना लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न यही है कि पिरामिड किस देश में है? यूनान, रोम, मिस्र, सऊदी अरब, ठीक है? तो ये BTC 2017 का पूछा हुआ प्रश्न है। पिरामिड किस देश में है? तो ये आपका मिस्र में है, ठीक है? और आवाज में कोई मतलब प्रॉब्लम आए तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है, इसकी वजह से थोड़ा सर्दी जुकाम हो गया है, ठीक है? अगला आपका 62 प्रश्न है कि पहिए का आविष्कार हुआ था पूरा पसार काल में, मध्य पसार काल में, नव पसार काल में और धातु काल में। तो ये भी BTC 2017 का पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नव पाषाण काल में, ठीक है? पहिए का आविष्कार हुआ था। अगला आपका प्रश्न है कि गायत्री मंत्र का संबंध है ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऋग्वेद से, ठीक है? अगला आपका प्रश्न है कि पुराणों की संख्या है 18, 11, 13, 12। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 18। बहुत ही इजी प्रश्न है। अगला आपका 65 प्रश्न है कि बुद्ध संघ एवं धर्म त्रिरत्न है, ठीक है? ठीक है, तो बुद्ध संघ एवं धर्म त्रिरत्न है, जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के और तथा वह दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बुद्ध संघ एवं धर्म त्रिरत्न है बौद्ध धर्म के। अगला आपका प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध, लव कुश, ठीक है, लकुलिस, सातिकरणी, वासुदेव। तो ये भी प्रश्न इजी है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध। अगला आपका प्रश्न है 67 कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हड़प्पा सभ्यता, ठीक है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम भी है हड़प्पा सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कह सकते हैं। अगला आपका प्रश्न 68 है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु, शतुद्री, सरस्वती, गंगा। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सिंधु, ठीक है? आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। अगला आपका प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार, कृषि। तो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि करना। 70 आपका प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानघर कहाँ पाया गया? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में, कालीबंगा में। तो बृहत स्नानघर आपका मोहनजोदड़ो में पाया गया था। 71 आपका प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? रोपड़ से, लोथल से, कालीबंगा से, वड़ावली से। तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो वो मिला है कालीबंगा से। 72 आपका प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, वड़ावली। मतलब सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है, मतलब ईंट कहाँ से मिला है? तो वो चनहुदड़ो से मिला है। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1935, 1942, 1901, 1921। यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका
1921 में आपका हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। ठीक है, तो जब भी हड़प्पा सभ्यता आप देखो तो आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुआ था। तो 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ था। अगला आपका प्रश्न है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी। तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अ, उचित समतावादी। अगला 75 आपका प्रश्न है कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई रेखा है भूमध्य रेखा, देशांतर रेखा, कर्क रेखा, सभी। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई रेखा जो है वो है आपका देशांतर रेखा। अगला आपका 76 प्रश्न है कि भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौती है गुट निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता, सांप्रदायिकता, इनमें से कोई नहीं। BTC 2017 का पूछा हुआ प्रश्न है कि भारतीय लोकतंत्र के समक्ष कितनी चुनौतियां हैं, कौन सी चुनौतियां हैं। तो आपका जो सांप्रदायिकता है यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय लोकतंत्र के समक्ष सांप्रदायिकता चुनौती है। अगला आपका प्रश्न है 77 की भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार, अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है, जो अपना उत्तर प्रदेश है वो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। ठीक है, तो आपका यूपी या हमारा यूपी सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। 78 आपका प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा है मैकमोहन रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, रेड क्लिफ रेखा। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो है आपका रेड क्लिफ रेखा। हमने कई बार आपसे डिस्कस किया है। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा है रेड क्लिफ सीमा। अगला जो आपका प्रश्न है 79 की भारत और चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले तो आपका मैकमोहन रेखा हो जाएगा भारत और चीन के बीच, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान क्या हो जाता है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अ, मैकमोहन रेखा। अगला आपका 80 प्रश्न है कि भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा है, तो आपका जो भारत है उससे गुजरने वाली रेखा कौन सी है। तो जैसे कि ऑप्शन में है कर्क रेखा, ठीक है, मकर रेखा, और तथा वह दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भारत से मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा है कर्क रेखा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही प्रश्न डिस्कस करते हैं जो कि बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में 100% इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये जितने भी प्रश्न हैं आप इसको क्या करना, अच्छे से आप कॉपी खरीद लो अलग अलग सब्जेक्ट के, या फिर एक एक आपको मतलब अच्छी कॉपी होनी चाहिए, उसमें जितने भी आप नोट्स है डेली प्रैक्टिस भी करो, अपना राइटिंग भी सुधारो। ठीक है, और आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, इसका नोट्स बनाओ, डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपके 100% आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो जो इसका PDF है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देती हूँ, आप वहाँ से इसे प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम से जुड़ने के लिए सिंपली आपको प्ले स्टोर से क्या करना होगा, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना होगा, और उसके बाद टेलीग्राम चैनल जैसे ही मतलब ऐप खुलेगा, मेरे चैनल का नाम है अपडेट विद काजल, आप वहाँ से वहाँ सर्च करके आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। ठीक है, फिलहाल के लिए आप अपना अच्छे से तैयारी करो। अगर आपके फ्रेंड्स मित्र UPDLET के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हो ताकि कुछ उनको भी हेल्प मिल सके, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे होते हैं उन्हें पता नहीं होता है कि YouTube पर भी आपको मतलब पढ़ने को मौका मिल सकता है। तो आप उन्हें भी इन्फॉर्मेशन ज़रूर दीजिए ताकि उनको भी कुछ हेल्प हो सके। अगर आप दूसरों की हेल्प करोगे
तो आपका कहीं ना कहीं हेल्प कोई ज़रूर करेगा। ठीक है, फिलहाल के लिए आप सभी को मुझे इतना इन्फॉर्मेशन देना है, बल्कि आप तो समझदार हो ही। ठीक है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, और अगर आप टीचर हो तो आप अच्छे से अपनी टीचर बनने की तैयारी जारी रखो। ठीक है, आप 100% बनोगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड गुड नाइट।